सिंगाना में नर्सिंग कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर निकाली सांकेतिक रैली, बीसीएमओ को दिया ज्ञापन। राजस्थान में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। उसी क्रम में आज सिंगाना के सरकारी अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने भी गांधीवादी तरीके से एक आंदोलन का बिगुल बजाते हुए सांकेतिक विरोध रैली निकाली, तथा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश सचिव प्रदीप यादव के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सिंगाना बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र सैनी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से 11 सूत्री मांग रखी गई, वही साथ ही सिंगाना कस्बे में सांकेतिक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बजरंगलाल सैनी, नर्सिंग ऑफिसर मुकेश सैनी, जयवीर, लक्ष्मी, अंजू, सुमन खिची सहित अस्पताल कर्मी मौजूद रहे। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति द्वारा 17 जुलाई से निरंतर पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन कर, काली पट्टी बांध कर, ज्ञापन देकर, रैलियां निकालकर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को हमारी 11 सूत्री मांगे मनवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमने भी सीएचसी सिंगाना जिला झुंझुनू में ज्ञापन देकर मांगों को मानने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें नर्सिंग भत्ता केंद्र के समान करने के लिए, हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको राजपत्रित अधिकारी करने के लिए, संविदा कैडर को परमानेंट करने के लिए, ठेका प्रथा को बंद करने के लिए विभिन्न प्रकार की मांगे हैं जो हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से दी है। आज नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उसमें 11 सूत्री मांग बीसीएमओ सिंगाना को ज्ञापन दिया गया। और इस मांगे ये इसमें एक तो संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए, और हमारे कैडर के जो केंद्र और राजस्थान में जो वेतन भत्तों के असमानता है उसको समान करने के लिए है, और एक ठेका प्रथा बंद करने के बारे में है, और नर्सेज को दवा लिखने और दवा देने का अधिकार दिया जाए।